स्वराज की मांग को लेकर बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा आंदोलन करेगा, जिसके केंद्रीय अध्यक्ष भानु सहाय को प्रधानमंत्री के आने से पहले ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। अनुमान लगाया जा रहा था कि बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा प्रधानमंत्री के झांसी आने पर उनका काला झंडा दिखाकर विरोध करने वाले थे। अलग बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर आंदोलन बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष भानु सहाय को प्रधानमंत्री के आने के पहले ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। भानु सहाय ने कुछ दिनों पूर्व ज्ञापन देकर ऐलान किया था कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान झांसी की जनसभा में यह घोषणा की थी कि केंद्र में सरकार बनने पर अलग बुंदेलखंड राज्य की मांग की गई है। अभी तक प्रांत निर्माण की दिशा में कोई भी कदम नहीं उठाया गया है, इसलिए बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा प्रधानमंत्री के झांसी आने पर उनका काले झंडे दिखाकर विरोध करेंगे। इस घोषणा के बाद से ही सक्रिय प्रशासन ने मोर्चा के केंद्र अध्यक्ष पर नजर रखनी शुरू कर दी है। आज सुबह केंद्र रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने से पहले ही उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। उनके आवास पर पुलिस तैनात कर दी गई है। इसके अलावा पुलिस उन्हें अपने घेरे में लिए है। देखिए, मोदी जी ने 2014 में ये वादा किया था कि 3 साल के भीतर बुंदेलखंड राज्य बनवा दिया जाएगा। 7.5 साल होने आ गए, अभी तक उनके कान पर जूं तक नहीं लेंगी। हमने जिलाधिकारी महोदय को भी एक पत्र दिया था कि जब मोदी जी आ रहे हैं हम लोग का उनसे भेंट करा दी जाए, और अगर आप नहीं कराओगे तो हम काले झंडे दिखाने के लिए बाध्य होंगे। भेंट कराने का कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई। आखिर में बाध्य होकर हम लोग को निर्णय लेना पड़ा कि हम काले झंडे दिखाएंगे। 19 तारीख को मोदी जी आ रहे हैं और 16 तारीख की रात को हमको नज़रबंद कर दिया गया है। इससे कम से कम एक बात तो सामने आई गई कि बुंदेलखंड राज निर्माण की हनक कहीं ना कहीं शासन प्रशासन से लेकर सत्ता के गलियारे तक पहुंच गई है। मोदी जी, 2022 का चुनाव है उत्तर प्रदेश में, 2023 का चुनाव है मध्य प्रदेश में, और 2024 का आपका चुनाव आने वाला है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। 11.5 साल इसी भूभाग पर भगवान राम ने वनवास काटा था और आज भी ओरछा में राम राजा सरकार के रूप में विराजे हैं। अपना वादा मत खत्म करो वरना आपको शाप लगेगा, बद्दुआएं लगेंगी। झांसी से आर्यन शर्मा के साथ रवि परिहार की रिपोर्ट। PK University. Build a great career at PK University. Admission open for medical science, B Pharma, M Pharma, BSc, BTech, MTech and Polytechnic diploma. Contact now www.pkuniversity.edu.in. Address: Thandra Village, Jhansi Road, Shivpuri.